जनपद मऊ में तारंगसारी गैंग के शूटर और चिन्हित भूमाफिया ब्रजेश सोनकर, जिसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज था। 14A गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को आज जब्त किया गया है। इसकी टोटल संपत्ति की कीमत लगभग 60 लाख है, जिसमें भुजौटी स्थित एक भूखंड है, 2 4-व्हीलर गाड़ियां हैं और 2 2-व्हीलर गाड़ियां हैं। ब्रजेश सोनकर जनपद का चिन्हित भूमाफिया है। इसके द्वारा वर्ष 2019 में एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया। 2010 में एक दक्षिण टोला अंतर्गत हुए मर्डर में मुख्तार अंसारी के साथ सह अभियुक्त भी है। इसी प्रकार से वर्ष 2019 में भी एक व्यक्ति का मर्डर इसके द्वारा किया गया था। इसके पश्चात इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कार्रवाई आज मऊ पुलिस के द्वारा की गई है। जनपद में अपराधियों के खिलाफ और संगठित अपराध के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, लगातार जारी रहेगा। और इसी प्रकार से अन्य भी जो लोग अपराध से जिनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है, गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्ति सभी की जब्त कराई जाएगी।